आपका स्वागत है और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं रेमता डैम। तो गाड़ी कल सर्विसिंग हुई तो उसका भी मैं इन्फो दूंगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी यहाँ मेरी गाड़ी है, एटमी की गाड़ी है, अमित लकड़ा, असीम, शुभम, अर्पण, अरे भूल गए नाम, चलो अब डायरेक्ट हो गया काम। इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए, अब डायरेक्ट मिलता आप लोग को रोड पे। आज गाड़ी क्या भाग रही है यार, मजा आ रहा है। आफ्टर सर्विसिंग के बात ही अलग है यार, रॉकेट चल रहा है रॉकेट। जहाँ था मिली मार पूरा। चलो तब मैंने लकड़ा को ये बोल दिया है कि थोड़ा सा एक ड्रैग रेस किया जाए, मतलब एडवेंचर 390 वर्सेस डोमिनार में। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कितना पीछे रहता है, क्योंकि मुझे भी जानने का इच्छा है। मैंने कभी ट्राई नहीं करा है और कभी उतना देखा भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही वीडियो बना लूँ। ये तो चीटिंग कर रहा है भाई, एडवेंचर लेके कुदाते हुए जा रहा है ये तो। गुड ट्राई, गुड ट्राई, बट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा। ये तो सरप्राइज हो गया था मेरे लिए भी, लड़का पूरा मौके के फिराक में था। चलो लो, चलो आगे चलो। अरे यार थोड़ा सा गलत ड्रैग हो गया था, अरे ड्रैग किया जाए, चलो रोड पे आओ। मजा आ गया, इधर ही ना, इधर से हम लोग जाएंगे रेमता और ड्रैग भी हो गया। इतना आराम से जा रहा था, पूरा आराम से जा रहा और हम ऐसे करके जा रहे हैं। चलो तब उतनी भी लेकिन डोमिनार पीछे नहीं थी जितना कि मैंने सोचा था। बट एडवेंचर ही एडवेंचर ब्रो, कुछ ही बोलो। KTM की इंजन मतलब इनिशियल में इतनी मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक्टिव है ना, कि क्या ही मतलब एक बार से कोई टक्कर का है ही नहीं। सबसे पहला बात तो मेरा थोड़ा सा लॉन्च गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। अरे
साला इससे उठ रहा था, भी लोचा हो गया था क्योंकि मेरे टायर में तो पूरा हवा भरा हुआ है ना, तो उसी चीज के चक्कर में चलो थोड़ा गेम खेला जाए। मुझे तो लीन बिल्कुल नहीं आता है। ओहो भाई आसिफ ब्रो बहुत फाड़। ए भाई ब्लाइंड टर्न में बहुत डर लगता है। जो मैं टायर लगाया हूँ इसमें अप्रोक्स मतलब हवा निकालना ही पड़ता है। मेरा में 40x40 है मतलब PSI, जिस कारण तभी व्हीली टेढ़ी हो गई थी नहीं तो हो जाता। क्या कर रहा है, मैं तो पूरा ही पीछे छूट गया। उतना भी नहीं बट चलो अरे वाह विली शो हमारे ब्लॉग में ऐसा ही होना चाहिए, मतलब मस्ती भी करो तो पूरी तरीके से। ओहो अरे ABS तो मेरा ऑफ है। कहाँ पर चलेंगे इसे आगे? अच्छा अरे बहुत बढ़िया, हम नहीं मारेंगे। 40 हवा भरा हुआ है, डोलता है। वापस से वीडियो गेम स्टार्ट होते हुए लेके देखता हूँ। वाह टाइमिंग मुझे तो कतई जोर से भूख लग रही है, मतलब लग रही है यार कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। ओहो गुलगुला वेरी टेस्टी ब्रो, मैं पक्का खाना पसंद करूंगा, भूख लग रहा है। काफ़ी मस्ती की और मैंने अपना गाड़ी का डिटेल्स नहीं बताया तो चलो मैं प्राइस बताता तो सुनो, मेरे गाड़ी में रेसर चेंज हुआ, ठीक है। रेसर लिक्वी मोली 2 लीटर डाला, मतलब 2 लीटर वाला जिसमें 1.8 लीटर इसमें डाला गया है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक पैड्स डाला गया सिरामिक का और जेन्युइनली नॉर्मल सर्विसिंग हुआ और इसका टोटल कॉस्ट पड़ा मुझे अप्रोक्स 6,800। यार सच में इसमें मेंटेनेंस है। और हाँ एक बेस्ट बात बताना चाहूँगा गाड़ी में कि ये जो इसका हैंडल देख रहा हूँ ये 690 का हैंडल, मतलब कॉस्ट पड़ा अराउंड 1,600 एंड समथिंग। तो बस इतना ही था। ठंडा लग रहा है हमको भी लग रहा है।